वंस अगेन वेलकम टू दिल्ली NCR नॉर्थ ईस्ट पीपल न्यूज़। आज हम लोग दिल्ली के आय नगर स्थान में हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेपाली कम्युनिटी का एक तीज बोल के त्यौहार है जो खासकर लेडीज लोग के लिए होता है। जैसे इंडियन लोग करवा चौथ मनाते हैं, उसी प्रकार से जो नेपाली कल्चर में तीज का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज इसी प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हम लोग आय नगर में आए हैं जो दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। और आज मेरे सामने बहुत ही लाल लाल ड्रेस में बहुत खूबसूरत नेपाली और गोरखाली कम्युनिटी से दीदी बहनी लोग यहाँ पर है और हम इनसे आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने त्यौहार के जश्न में थोड़ा सा लोगों को आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। अभी हमारे सामने किरण मैडम है जो हिमालय सेवा समिति आया नगर में एक इनका संस्था के वाइस प्रेसिडेंट है और ये काफ़ी सालों से जो नेपाली कम्युनिटी और जो गोरखाली कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं उनके बीच में सोशल वर्क कर रहे हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारा जो दिल्ली NCR नॉर्थ ईस्ट पीपल न्यूज़ है वो ऐसे ही छुपे हुए हीरो गुप्त हीरो जो निस्वार्थ रूप से एक कम्युनिटी का सेवा कर रहे हैं उनको हम सामने लाना चाहते हैं। और आज तीज के त्यौहार के उपलक्ष्य में आज मौका मिला कि इन लोग से मिलने का मौका मिले। तो मैडम थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमरो हिमालय सेवा समिति जो आया नगर में आप लोगों ने स्टार्ट किया है वो कब से शुरू किया आपने, और ख़ासकर जो आया नगर दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है ये, और यहाँ पर कितने नेपाली और गोरखा कम्युनिटी के कितने लोग रहते हैं कुछ अंदाजा तो आप बता सकते हैं, और आपका संगठन ने किस प्रकार का काम करता है आप इस बारे में बता सकते हैं। अच्छा, आज इसका सभी को मुबारक हो। और हमारा ये समिति कम से कम अभी एक साल होने वाला है, क्योंकि रहते तो पहले से है लेकिन हमारा मैं आई हूँ यहाँ पे 2-3 साल हो गए। तो हमने कोशिश किया है कि सभी को एक गट्ठे होके हमारा समिति को इकट्ठा करके हमें दुख सुख में काम आ जाए, ताकि हमारा ये आया नगर में कोई भी कुछ भी हो जाए तो हम सब इकट्ठा होकर लड़ सके, क्योंकि इकट्ठा नहीं है तो पुलिस वाले भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से बहन लोग है हमें बहुत साथ दे रहा है यहाँ का जी। हमारा कम से कम अभी 100-150-200 घर हमारा इकट्ठा हो गया है। तो आज हमारा पहली बार तीज मना रहे हैं। जैसे गाँव में होता तो हम 9 तारीख मनाते, लेकिन आज हमने थोड़ा खुशहाली मनाया। तो बहुत सबको बधाई है, मेरा बहन लोग को, भाई को, सभी को। तो इस प्रकार से हमारा सेवा समिति को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब बहन लोग से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि साथ दें। तो अभी हमने सुना किरण मैडम से, यहाँ आया नगर में हमने सुना है कम से कम 500-600 फैमिली रहती है, मतलब 2-3 हज़ार जो नेपाल के लोग और गोरखा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बट जो इनके संगठन में जो जुड़े हैं, जैसे मैम ने बताया 100-150 फैमिली जुड़ी है, और ये लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी यहाँ पर दार्जिलिंग और नेपाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको अपने संस्था के अंदर लाए, ताकि एक यूनिटी में रहे और दुख सुख में प्रदेश में एक दूसरे साथ दे सके। और आज इन लोगों ने इस जैसे मैम ने बताया बहुत सालों से रह रही है, बट इन लोगों को महसूस हुआ कि हमें एकजुट होना चाहिए। इन्होंने लास्ट एक साल से हमरो हिमालय सेवा समिति का इन्होंने जन सेवा समिति जो इन्होंने स्टार्ट किया है, और इनका ये पहला तीज का फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये लोग बहुत खुश हैं। तो मैं थोड़ा आप लोग से छोटा क्वेश्चन पूछूंगा इस संस्था के बारे में, और प्रदेश में जब आप लोग एकजुट रहते हैं या अकेले रहते हैं तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा आप बता सकते हैं। आप लोग अगर हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में बोल सकते हैं, अगर आप नेपाली में कंफर्टेबल है नेपाली में बोल सकते हैं। तो मैडम आप बोलिए कुछ। वैशाली बड़ा आको हो, वैशाली बड़ा, वैशाली हो, मैं वैशाली में रहूँ और यहाँ मेरो
साथी हुनुहुन्छ बहिनी, तो यहाँ म यहाँ रमाइलो लाग्यो यता, त्यही भएर आएको। बहुत हेप्पी तिज छ। नमस्ते, म रूपा गुरुङ, अरू म आयनगरमा बस्छु। अनि यो जस्तो इन्डियाको करवाचौथ मनाउँछ त्यस्तै यो हाम्रो नेपालीको तिज मनाएको, र हाम्रो यो ठुलो चाड हो। हेलो, नमस्ते सबै हाम्रो नेपाली जनसेवा समितिको सबै दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूलाई सबैलाई नमस्ते छ। आज हामीले यो तिजको जो पनि प्रोग्राम थियो हामीले राम्रोसँगले मनायौँ, र पहिली बार मनायो बहुत खुसी लाग्यो। अघिल्लो साल पनि योभन्दा बढकर मनाउने हो, र जो पनि यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुभएको थियो यहाँको जनसेवा समितिको ठुलो जो पनि छ, उनीहरूले हाम्रो तिजको लागि बहुत राम्रो गरिदिनु भयो, उसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु। सबको नमस्कार, मेरा नाम नमिता थापा है, मैं आयनगरमा रहती हुई 8 साल हो गया, बट इस कमेटी में 1 साल हो गया मुझे रहते हुए। थैंक यू किरण दीदी और महेश दाई, उन्होंने मेरे को मतलब फोर्स करके इसमें लाया। हाँ, बहुत बार फ़ोन करते थे, मैं आती नहीं थी, पर मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को ऐड किया इसमें, है ना। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से मनाया। हम चाहते कि और लोग को बुलाएं, हम लोग ने बहुत दूर दूर से सबको बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मतलब कितने लोग जिसको हम बहुत साल पहले मिले थे वो आज यहाँ पर मिले हम लोग को, बहुत हम लोग दिल से महेश दाजू किरण दीदी लोग को थैंक यू बोलना चाहते। नमस्ते, मेरा नाम राधा गुरु और मैं यही एज ब्लॉक में रहती हूँ। तीज बहुत राम्रोसँग मनाइयो हामीले, पहिलीचोटि यहाँ आयनगरमा चाहिँ हामीले तिजको प्रोग्राम राखिएको थियो, र बहुत राम्रोसँग सोचेको पनि थिएन यति राम्रोसँग होला भनेर, पर बहुत राम्रोसँग भयो त्यसको लागि। सो अभी हम लोग ने सुना कि आयनगर में काफ़ी सालों से जो नेपाली कम्युनिटी के लोग और दार्जिलिंग के गोर्खा कम्युनिटी के लोग रहते थे, और पहली बार इन लोग वर्षों से अपने देश में मनाते थे तीज का प्रोग्राम, लेकिन आज प्रदेश में मना के इन लोग बहुत खुश लग रहे हैं। सबने कहा कि बहुत अच्छा लगा, तीज का प्रोग्राम बना के अच्छा लगा सबने कहा है। अभी जो यहाँ पर जो मैडम लोग यहाँ पर है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, पहले प्रदेश में अकेले होंगे, अपने घर को अपने गांव को याद करते होंगे, बट यहाँ पर अब ये संस्था के द्वारा जो किरण दीदी लोग ने स्टार्ट किया है, उस संस्था के द्वारा आज आप लोग अपने नेपाली दीदी बहनी से, है ना, गोर्खाई दीदी बहनी से मिलने का मौका मिला तीज के प्रोग्राम में, जो आप लोग अपने गाँव में मनाया करते थे, तो आज एक संस्था के अंदर रहने का अनुभव और पहले अकेले रहते थे उसके विषय में आप क्या कहोगे, और जो और नेपाली जो कम्युनिटी के लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े नहीं अकेले रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, कौन बोलेगा? मेरा नाम संगीता थापा है, मैं एफ ब्लॉक में ही रहती हूँ। मुझे हमारे हिमालय सेवा समिति में 1-2 महीने ही हुए हैं मुझे जुड़े हुए। एक्चुअली मैं नेपाली नहीं, मैं बिलोंग करती हूँ गढ़वाली से, मैं गढ़वाली हूँ और मेरे हस्बैंड नेपाली है, तो हम लोग तब से तो नाम ही जुड़ गया मेरा, तो अब तो नेपाली में ही आ गए हम लोग, तो इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं किरण दीदी का, महेश दाई का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ में जोड़ा और इतना मान सम्मान दिया। आज को इस तीज को उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, साथै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू यहाँ आइदिनु भएको छ, र तपाईँहरूले एउटा समय बहुमूल्य निकालेर यहाँ आइदिनु भएकोमा हाम्रो हिमालय सेवा समिति आयनगरको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मुली मुली धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र अब हामीहरू आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि सञ्चालन गर्न लागिरहेको छौँ, र विशेष गरी आज हामीले जति पनि अतिथिगणलाई निम्ताएको छौँ, सायद हाम्रो एउटा दिल्लीमा कन्भर्ट बहिनीहरूले आफ्नो सङ्गठन बनाउनु भएको छ जसको नाम छ गोर्खे चेली, र गोर्खे चेलीका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा तामाङ, उहाँ यहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुन म उहाँलाई निवेदन गर्छु। बजार
स्वागत करी दिन मनाने निवेदन करदछु। हाम्रो गोर्खे जिल्ला अध्यक्ष श्रीमती सुषमा ता हाम्रो मदर्स वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष र महासचिव पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ भने तपाईहरु पनि यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। दिल्ली मदर्स वेलफेयर सोसाइटी का सभापति सचिव लोचन लामाज्यू महायना पुलिस एसोसिएसन दिल्ली शाखा का सभापति महोदय हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी खदा लगाएर सम्मान गर्दछौँ र उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। यसैगरी मदर्स ग्रुप गुरुपटा को आउनु भएछ अच्छा यहाँ सुनिता ज्यू आइसक्नु भएको रहेछ र उहाँलाई पनि हाम्रो नानीहरूले खदा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। यसरी नै हाम्रो स्वाभिमानका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा म निम्ताउन चाहन्छु। यो गुरु श्री मोहन कार्की सिद्धन सेवाज्यू भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो हिमालय सेवा समितिका र तपाईँले चिनिराख्नुहोस् है भविष्यमा चाहिँ अब कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ को को हो र उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर क्रमशले तपाईँहरूले बातचित गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश सुब्बाज्यू उहाँ पनि यहाँ आइदिन हुन म निवेदन गर्दछु। र यसरी नै हाम्रो हिमालय सेवा समितिको चेयरम्यान श्री पिके शर्माज्यू यहाँ अगाडि आइदिन हुन म निवेदन गर्दछु। र यसरी नै जोइन्ट सेक्रेटरी श्री विनोद छेत्रीज्यू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ यहाँ मञ्चमा आइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै ट्रेजरर तपाईँहरूमा बिहानदेखि काठ लिएर घुमिहाल्नु हुँदैथ्यो परिचय दिनु हुँदै थियो कि खजान्सीको चाहिँ कहीँ पनि जानुहोस् न सङ्घ सङ्गठनमा पहिला नम्बर उहाँले चाहिँ मै हो भनेर देखाउनै हुन्छ हो त्यो जरुरी पनि छ। र खजान्सीज्यू यहाँ आउनु भएछ चस्मा खोलिदिनु होला हौ किनभनेदेखि नि त्यो टी सर्टको पहेँलो र चस्माको पहेँलोले त बेसारै देख्दो रहेछ फेरि हो। र यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ महेश मि जाफ्रीज्यू र यसरी नै हाम्रो यहाँ एडभाइजरमा श्री अर्जुन गुरुङजी हुनुहुन्छ अर्जुन गुरुङलाई पनि म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। र अर्जुन गुरुङज्यू र अगाडिको पट्टि हटाइदिँदा हुन्छ आज अलिकति हो दुईवटा भ्याक्सिन लाग्यो भनेदेखि त डराउनु पर्दैन त्यसो भए त हुन्छ र अलिकति खतरा भयो भने पनि पैसा नै यहाँ हाम्रो कतिजनाहरू छ इन्जेक्सन लगाउनेहरू तयारीमै बसेको छ बुझाउनु पर्छ। र यसरी नै हाम्रोमा एउटा कर्मठ भाइ हुनुहुन्छ जो हाम्रो हिमालय सेवा समितिलाई योगदान पुर्याउने र विगत दिनहरूमा जुन यो कोभिडको केसहरू हुँदाखेरि जुन प्रकारले आज घर घरमा गएर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवा प्रदान गर्नुमा उहाँले जुन भूमिका निभाउनु भयो र खेमबहादुर थापाज्यूलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। र खेमबहादुर थापाज्यूलाई उहाँलाई पनि खै तपाईँहरू त सबै तातो भातले भेटाएर त्यो अललेको कुखुरा जस्तो पो भयो त अलिकति ताली बजाउँदाखेरि अलिक गडगडा त आउनु पऱ्यो नि हौ है। हेर्नुहोस् त यहाँ सबैजना हिमालय हाम्रो हिमालय सेवा समितिको प्रतिनिधिहरू सामने बस्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई एउटा परिचय हो र सबैजनाले यहाँ हेरिराख्नुहोस् चिनिराख्नुहोस् है। र क्रमशले हाम्रो नानीहरूलाई म यहाँ अगाडि आएर खदा लगाइदिन हुन म निवेदन गर्दछु। हिमालय सेवा समितिलाई जुन प्रकारले योगदान दिनुहुने हाम्रो भाइ रमेश सेवाज्यूलाई पनि यहाँ म मञ्चमा निम्ताउँदछु र उहाँलाई पनि हामी खदा सम्मान गर्नेछौँ। रमेश सेवाज्यू यहाँ अगाडि आइदिनु I'm not afraid to die।
30 का कार्यक्रम मनाया जा रहा था दिल्ली के आयनगर स्थान में, जहाँ पर नेपाली कम्युनिटी के लोग और गोरखा कम्युनिटी के लोगों ने आके यहाँ पर बहुत धूमधाम से प्रोग्राम मनाया। और मैं अभी एक मैडम के साथ में हूँ जो एक बहुत ही एक यंग जनरेशन के एक इस हमरो हिमालय सेवा समिति के एक एक्टिव मेंबर है। तो मैम जस्ट आप अपने नाम बताइए और आप इस संस्था से किस तरह से जुड़े हैं और ये 30 का प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है और आप कहाँ के रहने वाले हो, जस्ट थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली आप इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी जनों का नमस्कार, तीज को धीरे ही धीरे बधाई हो। मेरा नाम सुष्मिता छेत्री गुरुंग है, मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन दार्जिलिंग से है पर मेरी शादी नेपाल में हुई है। सो रहती मैं आया नगर में हूँ। आया नगर में हमारा हमरो हिमालय सेवा समिति ग्रुप है जिसमें हमारे सारे कम्युनिटी के, हमारे जो कम्युनिटी है नेपाली कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सारे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि और लोग भी इसमें जुड़े और हमारी कम्युनिटी के लोग भी जुड़े। आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम जिसकी हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सफल हो जाएगा, 500 से 600 लोग यहाँ कार्यक्रम में आए, सारे हमारी चेली बहनियों ने खूब इंजॉय किया जिसलिए जो हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि इसे और अच्छा बनाए, इसे और बढ़िया बनाए। जो आया नगर के निवासी है जो अभी तक हमसे नहीं मिल पाए या हम उनसे नहीं मिल पाए हैं, हम उनको भी मिलाए, इस कम्युनिटी के बारे में जागरूक करें ताकि हमारी कोई चेली बहनी यहाँ प्रदेश में भी रह के अकेला फील। थैंक यू मैम, आपने बताया जैसे मैम दार्जिलिंग से बिलोंग करती है और इनका मैरिज नेपाल में हुआ है और ये लोग आया नगर में काफ़ी सालों से रह रहे हैं और ये आया नगर में बहुत सारे नेपाली कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पर एक संस्था इन्होंने बनाया है जो हमरो हिमालय सेवा समिति आयनगर में है और जो इनके फादर इन लॉ है उसके प्रेसिडेंट है और ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं बट इन लोगों ने ऐसा महसूस हुआ कि प्रदेश में एकजुट रहना ज़रूरी है, इसलिए एक संस्था का उद्घाटन किया और आज पहला एक 30 का प्रोग्राम इन लोगों ने मनाया और कम से कम 500-600 लोगों ने आके इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही धूमधाम से प्रदेश में रह के भी अपने कल्चर को लोगों ने याद किया और सेलिब्रेट किया। मैम थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबको मालूम है हम अभी कोरोना काल से गुजर रहे हैं और दिल्ली में ही फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आया और काफ़ी लोग परेशान हुए कोरोना में और काफ़ी जो नॉर्थ ईस्ट के और गोरखा कम्युनिटी के और नेपाली कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर काफ़ी उससे अफेक्ट हुए, काफ़ी लोगों ने अपने जान को गंवाया, काफ़ी लोगों ने अपने जॉब को गंवाया, काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर को गंवाया बट हमारे मीडिया चैनल में ऐसा कोई रिकॉर्ड या कोई रिपोर्ट नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। एक नेपाली कम्युनिटी में आप रही हैं तो आपने देखा होगा किस प्रकार का माहौल था और हमरो सेवा समिति जो हमरो हिमालय सेवा समिति है उनका कुछ काम हुआ इस संदर्भ में तो आप थोड़ा बता सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सब ने कोविड में हमारी कम्युनिटी के लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इनफैक्ट सिर्फ आया नगर में ही नहीं, नियर बाय जितना पॉसिबल हो जहाँ से हमें हेल्प की मैसेज आए हैं, हेल्प के लिए कॉल आए हैं, हमारे दोस्तों के दोस्त हैं या दोस्तों के मम्मी पापा हैं जो बीमार है, जो नहीं कर पा रहे अपना इलाज या जिनके पास, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी है, वो अभी भी बे नौकरी बैठे हुए हैं। सो उन सब की हमने हेल्प करी है, जितना हम मैक्सिमम चाहते थे उतना मैक्सिमम हेल्प किया है। इनफैक्ट अभी भी हमारा हेल्प जारी है, जो लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं किसी भी ग्रुप के ज़रिए या किसी भी दोस्त भाई चेली बहनी के ज़रिए उन सब कि हम हेल्प करने जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आया नगर है तो सिर्फ आया नगर तक ही सीमित रहना है, नहीं, हम जहाँ पॉसिबल हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो छतरपुर हो, जहाँ भी पॉसिबल हो, जहाँ हमें बताया जा रहा है, जो मेरे प्रेसिडेंट है, मेरे फादर इन लॉ मिस्टर महेश गुरुंग जी और भी जितने भी ग्रुप मेम्बर्स हैं, हेड है, कोई ये नहीं है कि नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आया नगर का ही हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी के जो भी लोग इस प्रदेश में अकेले हैं उन सबकी हेल्प करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं यूथ जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे इस ग्रुप में ज्वाइन हुए ताकि
उनके बाद हम लोग इस ग्रुप को चला सके, कोई यहाँ पे अकेला फील ना करे, कोई लड़की यहाँ पे अकेला फील ना करे, कोई भाई हमारा यहाँ पे अकेला फील ना करे। हम यही चाहते हैं इस ग्रुप को, मतलब आज तीज का प्रोग्राम यही रखने का था। हम देखना चाहते थे हमारी कम्युनिटी कितनी है, कितने लोग आगे आते हैं इस तीज के प्रोग्राम में। और सिर्फ तीज नहीं, लोगों ने कोविड के टाइम पर भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी है लोगों की। आज आप आए इसलिए हम मीडिया तक, आगे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बट कोविड के टाइम पे जब हम नहीं पहुंच पा रहे थे, बट फिर भी हम लोगों ने मदद किया है। धीरे धीरे हम इस ग्रुप को और आगे बढ़ाते जाएंगे। हमरो हिमालय सेवा समिति के प्रेसिडेंट जी मेरे साथ में हैं। जैसे आज हमारा चैनल आया था यहाँ पर दिल्ली के आयनगर में, जो 30 का कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही भव्य रूप से जो यहाँ आयनगर में जो नेपाली कम्युनिटी और गोरखा कम्युनिटी के लोग रहते हैं उन लोगों ने मनाया। और कम से कम 500-600 लोग यहाँ पर आए थे और बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया और उसी में सबसे बड़ा हाथ है हमारे सर यहाँ बैठे हैं जो यह इस संगठन के प्रेसिडेंट है। तो थोड़ा सा हम सर से थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं कि ये पहले सर आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और कितने सालों से आप आयनगर में रह रहे हैं, और थोड़ा सा आप अपने संगठन के बारे में बता सकते हैं कि आपने कब शुरुआत किया और किस तरह का काम आपका संगठन करता है। नमस्कार और धन्यवाद आपको। मैं महेश कुमार गुरुङ, म नेपालबाट, एक्चुअली म नेपालबाट बिलोङ गर्छु। अनि यहाँ हामीहरूले एउटा संस्था चलाउँदैछौँ, हाम्रो हिमालय सेवा समिति। त्यसमा हामीहरूले नेपालमा, नेपालबाट जति पनि सानो सानो नोकरी गरेर यहाँ विदेशमा दिल्लीमा आएर सानो सानो नोकरी गरेर बसेर गुजरबसर गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली हुनुहुन्छ, अब दार्जिलिङतिरबाट आउनुभएको साथीहरू हुन्छ, अरू अरू ठाउँबाट आउनुभएको छ, उहाँहरू साथीहरूलाई हामीले एक मुस्ट एक एउटा उसमा गोलबन्द गरेर जोड्नको लागि हामीहरूले त्यो कोसिस गर्दैछौँ, अहिले सुरुवाती गर्दैछौँ र गरिराखेका छौँ। तर अब चाहिँ म दिल्लीमा अहिले बसोबास गरेको लगभग मेरो चाहिँ कमसे कम पनि 35 साल जति भइसक्यो दिल्लीमा नोकरी गरेर बस्नु थालेको, र त्यही भएर अहिले यहाँको अवस्था देख्दाखेरि नेपालीहरूले जुन नेपालीहरू जुन नेपाली भाषीमा जुन हामीहरू छौँ उहाँहरूको अवस्था यहाँ आएर दुःख भोगेर बस्नु पर्दाखेरिको अवस्था देख्दाखेरि र उहाँहरूले सहारा कसैको सहारा नपाउँदाखेरिको अवस्था देख्दाखेरि अलिकति मनमा खट्टोपन हुने, किनभनेदेखि हामीहरू विदेशमा आइसकेर यहाँ आइसकेर नोकरी गर्दाखेरि एक आपसमा जान पहिचान भएर बस्न नखोज्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई नै जोडेर चल्नको लागि नै हामीहरूले यो संस्था गर्न बनाएर हिँडेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले अहिले
सबैभन्दा त पहिला त म यो हरितालीका तीजको महिलाहरूको नेपाली हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड महिलाहरूको महान चाडको लागि म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु महिलाहरूको लागि किनभनेदेखि हामीहरूले जुन प्रोग्राम हामीले महिलाहरूको तिजी प्रोग्राम गरियो एकदम 100% सक्सेसफुल भएर आयनगरमा सबैभन्दा पहिलो प्रोग्राम हामीहरूले गरेर देखाइयो और साथीहरूले एकदम यति बढ चढेर सहभागी लिनुभयो कि उहाँहरू त यस्तो खुसी हुनुभयो कि हामीहरू कहाँ कहाँ जान्थ्यौँ हामीहरू तिज प्रोग्राम हेर्नको लागि अहिले हाम्रो घरको दैलोमै हामीहरूले यसरी प्रोग्राम गरेर हामीहरू खुसियाली मनाउन पाइयो भनेर हाम्रो नेपाली भाषीको मान्छेहरू साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ दिल्लीमा बसोबास गर्नुभएको साथीहरू यति खुसी हुनुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही हाम्रो चाहिँ मेन मकसद के छ भनेदेखि चाहे हामीले तिजको पर्व होस् चाहे हामीले दसैँको पर्व होस् चाहे तिहारको पर्व चाहे मनाऊ हाम्रो चाहिँ एकमुष्ट भएर हामीहरूले आफ्नो कल्चरलाई कहिले पनि नभुलौँ चाहे देशमा बसौँ चाहे विदेशमा बसौँ कहीँ पनि बसौँ हामीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीहरूले त्यो यस विषयमा आफ्नो कल्चरलाई कहिले पनि भुल्नु भएन त्यहीलाई हामीले आफ्नो नभुलिकन अगाडि अझै यसलाई कन्टिन्यू राख्नको लागि हामीहरूले त्यस कारणले गोलबन्द भएर दिल्लीमा कुना कुनामा दिल्लीमा एनसिआर गुडगाउँ हुनुहुन्छ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई हामीले जोडेर चलौँ यसलाई भोलिको खण्डमा अगर कुनै महिला चेलीलाई बाटोमा कसैले छेड लागरे कसैलाई त्यहाँ दुःख तकलिफ होला कसैलाई त्यहाँ अब पर्स छिन्दिएला गरे त्यस्तो बेलामा हामीहरू त्यस्तो किसिम भएपछि कुन ठाउँमा त्यस्तो भएको त त्यहाँको साथीहरूलाई हामीले खबर गरेपछि फटाक चाहिँ उहाँलाई सहयोग हामीले पुर्याउन सकिन्छ त्यही हिसाबले किनभनेदेखि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यही सोचाइ लिएर हामीहरूले सानो हामीले अहिले संस्था जोडेका छौँ खोलेका छौँ बनाएका पनि छौँ र केही हामीहरूले बहुत काम पनि गरियो जस्तो कि अहिले हाम्रो यो सालै हालैमा कोरोनाको भयो महामारीले गर्दाखेरि सेकेन्ड उसमा मान्छेहरूको कतिको ज्यान गयो कति खानको लागि बडा समस्या पऱ्यो कतिलाई पैसाको समस्या पऱ्यो नोकरी उनीहरूले मकान किरायमा बसेका छन् उहाँहरूलाई किरायदारले उनीहरूलाई निकालिदियो कि ऊ कमरा किराय दिन सकेन भनेर यस्तो उसमा पनि हामीहरूले जति हुनसक्छ अब कसैले 100 रुपियाँ दिएर हेल्प गरेको छन् कि कसैले 500 रुपियाँ दिएर हेल्प गरेको छन् त्यसलाई हेल्प लिने मान्छेहरूलाई पनि हामीले खोजी र हेल्प दिने मान्छेहरूलाई पनि खोजी हामीहरूले लिएर एकट्ठा गरेर उसलाई आँटा दिएर हुन्छ कि अथवा पैसा दिएर हुन्छ कि या त ऊ त्यो बिमारी छ भने हस्पिटलाइज गरेर त्यसलाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ कि त्यस्तो तरिकाले हामीहरूले त्यस्तो सहयोग दिने काम गऱ्यौँ कुनैलाई यस्तो बेला पनि आयो कि सर किराय भाडा दिएर गाउँ पठाउने स्थिति पनि आयो किराय भाडा उनीहरूको ल सर हामी त यस्तो स्थिति भयो लकडाउनले गर्दाखेरि नोकरी छुट्यो अब यो अब जुन हाम्रो भाँडावाँडा छ जुन पनि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहीँ अब किरा मकान मालिकलाई नै छोडिदिनु पऱ्यो सर अब घर जानको लागि बच्चाहरू लिएर जाने कसरी त भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि पनि अब के गर्ने त अब त्यो भनेको इमर्जेन्सी केस हुन्छ त फटाफट त्यसलाई के गर्नु भने त्यो केसलाई निप्टाइहाल्नुपर्छ किनभने 2-4 पैसा कहाँ कहाँबाट उठाउने कलेक्सन गर्ने लौ त अब उहाँ दार्जिलिङ जाने कि नेपाल जाने कि अब कहाँ जाने हो उत्तराखण्डतिर जाने हो कि कहाँ जाने उहाँहरूलाई त्यो गरेर फटाफट उहाँलाई घर पठाउने त्यस्तो आरोप पनि हामीले गरियो अनि अरू अझै एउटा अझै भन्न चाहन्छु हामीले कतिपय अब हाम्रो नेपालबाट चेलीहरू ल्याएर यतातिर बेचिदिन्छन् हेर्नुहोस् त्यस्तोमा पनि हामी सहभागिता भइकन हामीहरूले उहाँहरूलाई पनि अब कमला मार्केटको जुन थाना छ अब त्यो बेच्ने त त्यतैको एरियामा हेर्नुहोस् त्यस गरेर कमला मार्केटको थानामा गएर हामीहरूले त्यहाँ अब त्यो थानाको मान्छेलाई लिएर गएर अनि हामी पुलिसहरूलाई लिएर गएर हामीहरूले त्यो ठाउँमा त्यो एरियामा गएर उहाँहरूलाई त्यो उसमा कसरी हुन्छ अब पुलिसको दबाबले हुन्छ कि राम्रै कुरा गरेर हुन्छ त्यसलाई त्यसरी हामीले निकालेर पनि उहाँहरूलाई हामीले घर पठाउने काम गरिएको छ सर यसरी काम गरिएको छ हामीहरूले त अभी जैसे हाम्रो हिमालय सेवा समितिको जो प्रेसिडेन्ट ज्यू मेरे साथमा है उन्होंने बहुत ही डिटेलमै अपने संस्था के कार्य के बारे में बताया जैसे इन्होंने बताया अभी जो नेपाल में
जो तीज का प्रोग्राम है खासकर वहाँ के लेडीज़ लोग के लिए बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है, और ये लोग यहाँ प्रदेश में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने कल्चर को ना भूले, और जो उनका फेस्टिवल है जो अपने गांव में मनाया करते थे उसको यहाँ भी प्रदेश में भी मनाया करके ये सर ने अपने संस्था के द्वारा आज बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम रखा और बहुत अच्छा से एक सफलतापूर्वक इन्होंने इस कार्यक्रम को किया। और सर ने अभी बताया कि किस प्रकार से इनका संस्था काम कर रहा है। प्रदेश में कई लोग अकेले होते हैं, कई बार छोटे मोटे दुख सुख में कई बार अकेले पड़ जाते हैं, तो इन लोग ने एक ऐसा संस्था बनाया है ताकि प्रदेश में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके। जैसे अब अभी सब हम लोग कोरोना काल में हैं और कोरोना का सेकंड वेव में काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोग बीमार हुए, काफ़ी लोगों ने जॉब खोया, काफ़ी लोग को किराए तक देने में मुश्किल हुआ, काफ़ी लोग अपने घर जाने में प्रॉब्लम्स हुआ, बहुत सारी ऐसी समस्या आई जिसका हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें खासकर नेपाली और गोरखाली जो नेपाली भाषी और गोरखाई लोग हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका कोई रिकॉर्ड कोई रिपोर्ट नहीं है। और ऐसे ही कुछ ऐसे हिडन हीरो है जो जो सर यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने काफ़ी लोगों को राशन दिया, काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, काफ़ी लोगों को घर तक भेजने के लिए इन्होंने किराया जुटाया। और ऐसे हिडन हीरो से जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, और हमारा चैनल कमिटेड है कि हम ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने लेके आए ताकि लोग इनको जाने, इनको सम्मान करें और इनका सहयोग दें। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा बात सर ने अभी कहा कि खासकर जैसे नेपाल से खासकर हमने कई बार सुना है कि कई बार कोई एजेंट कोई दलाल वगैरह लड़की लोग को ला के यहाँ पर दिल्ली में कमला मार्केट बोलते हैं वहाँ पर ला के बेच देते हैं, गलत काम करने के लिए एक देह व्यापार के लिए बेच देते हैं। और सर ने कहा कोठियों में बेच देते हैं। और सर ने कहा कि जो इनका संस्था है, कई बार इन लोगों ने जब इनको खबर पहुंचा तो उन्होंने दिल्ली के उस एरिया में जाके वहाँ के पुलिस जो वहाँ के लोकल पुलिस थाने को संपर्क करके ऐसे लड़की लोग को वहाँ से बचाने का काम किया, और ये बहुत ही सराहनीय काम है। और हमारा चैनल भी इस चीज़ों में और भी किस तरह से हम लोग सहायता कर सकते हैं, मैं सर को कहना चाहता हूँ हम जरूर इस चीज़ में हम लोग और सहयोग करेंगे और आप लोग के अच्छे काम को हम पब्लिक तक लेके आएंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आज बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम किया, और आप के संस्था को हम शुभकामना देते हैं। और आने वाले समय हम चाहते हैं कि जो भी लोग इस संस्था में जुड़े नहीं हैं, खासकर आया नगर में जो रहते हैं, आप लोग इस संस्था से जुड़िए ताकि आपके दुख सुख में एकजुट होकर दीदी भाई लोग एक दूसरे सहायता कर सकें। और हमारा चैनल भी आप लोगों के साथ मिलकर आपके इश्यूज़ को हम पब्लिक के सामने, गवर्नमेंट के सामने और जो भी संस्था के लोग यहाँ काम करते हैं उनके सामने बुलाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके से संबंधित न्यूज़ को हम अपने कम्युनिटी के लोगों तक ला सकें। ऑडियंस को दोबारा से नमस्कार। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर केजरीवाल जी का फोटो लगा है और यहाँ पोस्टर है। एक्चुअली हम लोग आया नगर के एक आम आदमी पार्टी के ऑफिस में है, और यहाँ पर कोई राजनीतिक कारण से यहाँ पर नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी जो आया नगर में है, इन्होंने जो गोरखाली कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी का 30 का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो अपने गांव में अपने देश में मनाते थे, तो इन्होंने प्रदेश में भी सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया, और आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिस को खोला ताकि यहाँ के जो लोकल जो नेपाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर आके अपने त्यौहार को मना सके, अपने कार्यक्रम कर सके। तो खासकर हम लोग आम आदमी पार्टी जो दिल्ली आम पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने चैनल की तरफ से। और मेरे साथ में यहाँ पर सर है, मैं सर थोड़ा आपका नाम बताइए और आप किस पोजिशन में कार्यरत हैं, और थोड़ा सा संदेश दीजिए हमारे ऑडियंस को। मैं नरेश चौधरी आय नगर वार्ड रमेश संभावता जी के ऑफिस पे, रमेश संभावता जी का ने बोला था एक नेपाली प्रोग्राम है, जैसे हम लोगों में करवा चौथ बनाते हैं ऐसे ही नेपाली लोगों में एक तीज का प्रोग्राम बनाया जाता है। आज उन लोगों का प्रोग्राम हमने अपने ऑफिस में कराया, उनका भोजन और सब बहन जी बहन बेटी सब यहाँ पे आके डांस करके खूब इंजॉय करके गए हैं, और आगे भी अगले साल आज फर्स्ट टाइम हमने बनाया, हमें इतना पता नहीं था कि इतने लोग हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसको बहुत भारी संख्या में बनाएंगे और आय नगर में एक बहुत बड़ा नेपाली परिवार का प्रोग्राम करेंगे तीज का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतना मैं आज देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे फैसिलिटी हमें दिया है, जो यहाँ पर चेयर है, टेबल है, पंखा है, और खाना बनाएंगे, और सर उनके ऑफिस के ऊपर में जो जगह है जहाँ पर इनका कई तरह की मीटिंग होता है, और यहाँ पर इन्होंने जो सामान रखा उस सबको यूज़ करने दिया, और यहाँ पर जो गोखाली और नेपाली कम्युनिटी के लोगों को सारा उन्होंने खुला फैसिलिटी दिया,
उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही क्या आप सेवा करते रहिए, जनसेवा करते रहिए और हम भी दोबारा से आपके पास आएंगे और ऐसे ही कार्यक्रम में आपसे मिलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर। ओके सर।